जानती ओम शांति और गुड इवनिंग सभी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेडिटेशन के समय हमारा शरीर, तन की स्थिरता ही मन की स्थिरता को ले आती है। तन जहां हिलने लगता है, मन भी अस्थिर होने लगता है। कमर पीठ गर्दन सीधी रखें, चेहरे पर कोई तनाव न हो, जबड़े टाइट न हो, हल्की सी मुस्कुराहट, निश्चिंतता का भाव। शरीर बिल्कुल सीधा, स्थिर और शिथिल। शरीर जब स्थिर हो जाता है, सांसें मंद होने लगती है, राजयोग मेडिटेशन की चार अवस्थाएं होती हैं, जैसे पतंजलि ने बताया, धारणा, ध्यान, समाधि, आंतरंग योग। धारणा अर्थात कॉन्सेंट्रेशन, हीलिंग ऑब्जेक्ट को लेकर साधक जब बैठता है, चाहे वो श्वास है, गुरु का मंत्र है, चित्र है, जो भी हीलिंग ऑब्जेक्ट है, जब उसका मन वहां एकाग्र हो जाता है पूरी तरह, वही एकाग्रता धारणा ध्यान बन जाती है और ध्यान का अंत समाधि से होता है, राइट। वैसे ही राजयोग की चार अवस्थाएं होती हैं, जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, शरीर को स्थिर करते हैं, सांसें मंद होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है, तब हम राजयोग की दूसरी अवस्था में, जिसे हम कहते हैं सोल कॉन्शियस स्टेज या फिर आत्मिक स्मृति, द सेकंड स्टेज ऑफ राजयोग मेडिटेशन, जब अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में देखते हैं, फील करते हैं, शरीर को चलाने वाली एक शक्ति, ऊर्जा, मालिक, करावनहार, रथी, ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, मन बुद्धि को चलाने वाली एक चमकती हुई बिंदी, देखें सभी भ्रुकुटी के मध्य में, अपने सत्य स्वरूप को आत्मिक स्मृति में स्थित होते ही, राजयोग की दूसरी अवस्था है ये। तीसरी अवस्था, जब हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं उस पावर हाउस से, अनंत असीम बेशुमार शक्तियों के सागर, ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, जिसको हम प्यार से परमात्मा कहते हैं, चाहे उन्हें आप किरणों के रूप में सामने देखें निराकार को, या फिर परम धाम में, जहां से हम सभी आत्माएं आई हैं, या फिर सिर के ऊपर छत्र छाया के रूप में आप देखें उस शक्ति को, परम शक्ति को, एक फाउंटेन की तरह उनकी किरणें लगातार मेरी छत्र छाया बनी हुई, ये किरणें भ्रुकुटी के मध्य में मैं प्राप्त कर रही हूं, रिसीव कर रही हूं, और मेरे शरीर के बाहर भी इन किरणों का सतत प्रवाह फील करें सभी। हैवी शावर ऑफ पावर, पीस, प्यूरिटी, लव, नॉलेज,
ब्लिस। तीसरी स्टेज में हम कनेक्ट करते हैं उस परम शक्ति को, और चौथी स्टेज में हम परमात्मा के सानिध्य में अतीन्द्रिय सुख और परम आनंद की अनुभूति साधक करने लगता है। स्टार्ट फीलिंग ब्लिसफुल, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पावर, सभी अनुभव करें परमात्मा के सानिध्य में अनंत किरणों के नीचे, हैंड रिचिंग एनलाइटनिंग मोर फुलफिलिंग भरपूरता का संपन्नता का अनुभव करें सभी। फील द पावर, यस रिलैक्स, यस। आज हम चल रहे हैं वो जबरदस्त हीलिंग टेक्निक की तरफ जो हर प्रकार के एनर्जी बैलेंस में सिद्ध होती है। रेकी आप लोगों ने कितने किए हैं? रेकी है कोई जिन्होंने रेकी किया है आप लोगों में से? रेकी जैसे प्राणिक हीलिंग, रेकी भी कोई हीलिंग है? मैंने किया जी, मैंने भी किया सर। सर मैंने भी किया है प्राणिक हीलिंग, किया है प्राणिक हीलिंग सर। हाँ जी मैंने किया है, प्राणिक हीलिंग भी किया है, राइट। विपश्यना, विपश्यना किसने किया? नहीं किया सर, नहीं किया विपश्यना। आचार्य महर्षि योगी की ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हां जी प्रियंका भाई जी। हां प्रियंका मैं लेता हूं आपको, लेट मी इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट ना। ओके ओके, यू आर देयर आई नो वेरी वेल, आपके साथ ही हम सभी करेंगे आज। ओके ओके, तो देखो हम मेडिटेशन में राजयोग मेडिटेशन टॉट बाय ब्रह्म कुमारीज, हम इसे दूसरों को हील करते हैं तो उसको सकाज बोलते हैं। सकाज मतलब परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, उसकी लाइट और माइट को उस आत्मा पर फोकस करते हैं जिसको हमको हील करना होता है। तो वो भी टेक्निक है हील करने की। ब्रह्मा बाबी हमारे रात्रा भर बच्चों के लिए बैठते थे हील करने के लिए। जब उनका भतीजा विश्व किशोर जिसको हम भाव कहलाते थे यज्ञ में, तो उनकी बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ी, मुंबई में थे वो, तो बाबा को जब मैसेज मिला कि भाव की तबीयत बिगड़ती जा रही है बहुत ज्यादा, तो बाबा ने कहा कि मैं बच्चे को सकाश दे रहा हूँ। रात रात भर बाबा उनको बैठ के लाइट और माइट देते थे। कोई आत्मा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, सफरिंग में जा रही है, ऐसे मैंने अपने पिताजी के लिए भी उनको सकाश लेकर उनको मुक्ति प्राप्त कराई है। ऐसे ही मेरे सास ससुर को भी मैंने उनके लिए 21 दिन तक तपस्या की है, और उसके बाद बहुत सफरिंग ज्यादा हुई तो फिर मैंने सकाश परमात्मा से लेकर उनको दी है उनके लिबरेशन के लिए। और तीनों ही जन, मेरे पिताजी तो कोमा में चले गए थे लेकिन जब आंख खोली उन्होंने तब मैं उनके पास में ही था। आंख मतलब थर्ड आए, जाने का समय आ गया था, केयर टेकर रखा था हमने, पता नहीं कितने सालों तक चलेगी ये चलेगा ऐसा, लेकिन मुझे जब पता चला कि अब इनका समय आ गया तो भी मैंने उनको लाइट और माइट वापस भगवान से लेकर दी कि आत्मा आप मेरे आत्मा के पिता हैं, पावरफुल है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, लेकिन मेरे शरीर के पिता इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में है, कोमा में चले गए, आत्मा शरीर छोड़ना चाहती है, बस किरणों को इमेजिन किया मैंने, ऊपर से आ रही है मुझमें समा रही है, मुझे पिताजी के ब्रिकुटिक मध्य में जा रही है, 2.5 मिनट के अंदर पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही मैंने अपने सास के लिए पहले किया, फिर ससुरे के लिए किया, तो वो भी एक प्रकार की हीलिंग है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए पावर चाहिए, एकाग्रता चाहिए,
सतत अभ्यास से 21 दिन तक लगातार हम एक ही संकल्प को लेकर जब मेडिटेशन करते हैं तो संकल्प सिद्ध होता है। अगर 20 दिन चला ना तो पास नहीं होता है। सूरज भाई की आज सुबह में कैसे सुन रहा था, उसने बताया कि आज माता मेरे पास आई थी कि मैंने 3 बार कोशिश की है 21 दिन तक बट्टी करने के लिए, एक संकल्प को लेकर एक ही स्थान पर एक ही समय पर, लेकिन तीनों ही बार मेरा पूरा नहीं हुआ है। एक बार तो 20 दिन पूरा कर सकी मैं, 21 दिन में उठी थी सुबह को, इसलिए टाइम सुबह 6 से 7 रखा था ताकि मेरे को डिस्टर्ब ना हो कोई भी, लेकिन उस दिन मेरा जागते हुए भी मन नहीं किया और मेरा वो 21 दिन का पूरा नहीं हुआ। सफलता तब मिलती है जब 21 दिन करते हैं। तो आज हम चल रहे हैं बहुत ही सुंदर टेक्निक की तरफ, उसको कहा जाता है सरोगेट टैपिंग, उसको कहते हैं प्रॉक्सी टैपिंग, जिसको कहा जाता है डिस्टेंस हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग मतलब वो व्यक्ति मेरे सामने नहीं है लेकिन उसको विजुलाइज करते हैं, उसे सूक्ष्म शरीर को विजुलाइज करते हैं तो उनको सकाश देते हैं, हम पूरे दुनिया को देते हैं, 5 तत्वों को देते हैं। अभी जहाँ जहाँ तकलीफ है, कई सारा बाढ़ का प्रकोप है, तो हम सुबह मेडिटेशन करने के बाद थोड़ा सा वक्त निकालते हैं। मैं तो स्टार्ट करता हूँ कि सारे रीजनल हेड्स, जोनल हेड्स, सभी समर्पित बहनें या अदर कुमार अदर कुमारियाँ, सारे कुमार कुमारियाँ बी के वर्ल्ड के, उनको सभी को मैं शिकायत देता हूँ, कहता हूँ कि बाबा ये अपने पुरुषार्थ में सभी तलीन है इस वक्त, सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सभी को आपके यज्ञ में विश्व कल्याणकारक विश्व कल्याणकारी बनाकर अपना सच्चा साथी बनाकर उनसे ये कार्य पूरा करवाना, सभी का भला हो, सबका मंगल हो और सभी को योग बहुत अच्छे लगे और सभी अपने तीनों पुरुषार्थ को प्राप्त, ऐसे में उनको सकाश हर दिन में देता हूँ डेली। तो हमारे EFT जो है ना, ये किस किस को दे सकते हैं, EFT सरोगेट टैपिंग मतलब जो व्यक्ति लाचार है, बेबस है, समझो माँ के पेट में बच्चा है, मतलब उसको गर्भ में है, अभी तक बच्चा जन्म नहीं लिया है, वो छोटा बच्चा है, 7 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, वो तो EFT कर नहीं सकता है ना। या तो फिर इवन आप कह सकते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट का केस है, जैसे आज हमारे साथ प्रियंका बहन जुड़ी हुई हैं, उनके पिताजी टोटली हेल्पलेस हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने आप पे, उनका जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशन, हम साथ में करेंगे टैपिंग। या दूसरा ये कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ठीक नहीं है, अनवेल है, डिस्टर्ब है, बहुत रेस्टलेस है, वो कुछ नहीं कर पा रहा अपने, तो उनके लिए हम कर सकते हैं बर्ड डॉग कुत्ते के लिए, बर्ड के लिए, या फिर इवन हम लोग घोड़े के लिए कर सकते हैं। जो आप करोगे ना उनके लिए टैपिंग, तो ऐसे लोग ना एक्नॉलेज करते हैं आपकी तरफ आंखों से आंखें मिला के कि आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। मैं तो अपने घर में फिश पॉट है, उनके लिए भी करता हूँ फिश पॉट है, बहुत मस्तियाँ मरती थी, बस उनकी तरफ देख के मैं हमेशा कहता हूँ थैंक यू आई लव यू, आपने हमारे घर की शोभा बढ़ाई है वगैरह करके ना। तो मैंने देखा कि मछलियाँ अभी जो पहले फ्रिक्वेंसी से मरती थी उसका 1/10 भी अभी नहीं उनका डेथ होता है उसमें, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस हीलिंग। दूसरा जो है ना, इनक्यूबेटर में जो बच्चे होते हैं, प्रीमेचर चाइल्ड होता है, अचानक ही बच्चे का, अभी जैसे मेरे पास केस आया था, उनके बच्चे का नाड़ा उनके पेट से चिपक गया था, पेट में बहुत दर्द था, जब उनको डॉक्टर ने टेस्ट किया के कहा नहीं अभी तुरंत बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा, साथ ही मैंने बच्चे को बाहर निकाला तो बच्चे का जो जन्म तो हो जाता है लेकिन अभी डेवलपमेंट नहीं होता, जो माँ के घर में बच्चे का डेवलप होना चाहिए वैसे बच्चे को इनक्यूबेटर में रखा जाता है, जहाँ पे उनको सब सप्लाई जो माँ के गर्भ से माता से मिलती है बच्चे को, इन्फेंट वो अपना अनबॉर्न बेबी को उनको वहाँ से मिलती है। वैसे ही जो है ना हैंडीकैप्ड आती है कोई भी, उसके लिए हम कर सकते हैं। अभी समझो आपके बच्चे का बहुत ज़्यादा नाक बह रहा है, आपने डॉक्टर से दवाई ले रही है, दवाई लेके रखा है, दवाई दे रहे हैं लेकिन वो बहुत अनकम्फर्टेबल है, आपकी आपका स्पाउस है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, उनको बहुत ज़्यादा बुखार है, दवाई तो लिया लेकिन बुखार से तप रहा है, तो ऐसों के लिए भी आप EFT तुरंत ही कर सकते हैं। या फिर इनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, वो डिस्टर्ब है, आप उसके लिए EFT कर सकते हैं रोज। या फिर ये कह सकते हैं कि माँ को फीलिंग हो रहा है नॉसियसनेस का, मतलब माँ इस समय जो है ना बहुत ज़्यादा चक्कर आने से गिर रही है नीचे, नॉसियसनेस। मैंने एक बार माउंट आबू में था तो एक है ना, मैं गार्डन में था, हमारा पीस पार्क है माउंट आबू में, तो मैं वहाँ पर खड़ा था तो एक लड़की है ना गिर गई वहाँ पर, लड़की गिर गई एकदम, तो मैंने है ना क्या किया उस समय, तो मैं EFT जानता नहीं था लेकिन मैंने है ना इतना मुझे डिटेल नहीं आता, लेकिन फिर भी उनके बॉडी पे मैंने परमिशन लिया उनसे
कि मैं इनके बॉडी पे टैपिंग करूं, बोला ठीक है कर सकते हैं, सिर्फ टैप किया बॉडी को, उनके कान में बोला बहन जी आप बिल्कुल ठीक है, आप अपने कमरे में जा सकती हैं, आप उस भवन में एंटर कर सकती हैं जहां पर रहती हैं, आप अपने आप जा सकती हैं, आप अपने आप उठ सकती हैं, ऐसे करके कुछ है मैंने उनको कमेंट्री कराया और वो बिल्कुल 2 मिनट के अंदर उठकर खड़ी हो गई। वो जो गार्डन सारा संभालता है वहाँ का, वो जानता है मुझे अच्छे से, उसने कहा कि ये आदमी जहाँ गया ना तो आदमी उठ के खड़ा हो जाता है, और बिल्कुल 2 मिनट के अंदर उसको मैंने खड़ा किया है। उस समय EFT मुझे ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन अभी आपको एक केस पहले बताता हूँ। हमारे घर में है ना, हमारी बहू का कज़िन मिलने के लिए आया था, वो काम करता है स्पेन में, तो वापस जाने वाला था, मिलने के लिए आए थे वो लोग। तो मैं अपनी क्लास कंडक्ट कर रहा था बेडरूम से, घर से। बाद में है ना वो मैं आया बाहर, उस दिन मेरा काउंसलिंग था, मैंने कैंसिल किया। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप है ना यानी खाना खाने होटल में गए वो लोग सब जन। जब वापस आए तो उनको है ना उसके लड़के को वहाँ खाने के बाद चक्कर आ गया, जमीन पे गिर गया। मेरे लड़के को लगता था कि ये शायद है ही नहीं, जवान लड़का 31 साल का, वो सिर्फ ट्रामा से गुजर रहा है, उसकी नौकरी चली गई है, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसके साथ जो लड़की 7 साल अफेयर में थी वो भी उसका भी रिश्ता उनके साथ कट ऑफ हो गया है, ये सब ट्रामास को लेकर। तो फिर है ना हमारे घर में लेके आए, होटल बाजू में थे, हमारे घर में लेके आए। तो मैं 11 बजे मुझे मिसेज ने कहा कि आप प्लीज़ हेल्प करोगे, मैं तो सो रहा था, मुझे जगाया कि विकी को चक्कर आया है, आप उनको मदद करोगे प्लीज़। मैं गया उनके बॉडी में टैपिंग किया, मैंने 2 राउंड पूरा टैपिंग किया और मैंने उनके कान में कहा कि विकी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल। उनको क्या उठने के साथ ही चक्कर आता था। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे केस में ही हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज, क्योंकि पता नहीं है कि क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो जो ट्रीटमेंट मैंने दिया ना, तो उनको फिर हॉस्पिटल भर्ती किया, तो उनको एक इंजेक्शन दिया और 1 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि अगर ठीक नहीं हो तो हम राधन को रखेंगे हॉस्पिटल में। लेकिन मैंने डेफिनेटली कहता हूँ जो टैपिंग मैंने उसको किया ना, उसके कान के अंदर जो एफर्मेशन मैंने डाले उसकी वजह से भी उसको फ़ायदा पड़ा। 1 घंटे के अंदर उसको डिस्चार्ज दिया गया और दिन से बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो किसी न किसी वे में हम हेल्प कर सकते हैं। अभी जो है ना मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल फिर दूंगा आपको, जैसे आप हर एक के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक औरत के बच्चे को जब बच्चा पॉटी करता है ना, तो उसका कोई ना उसके नीचे वाले भाग को, डायपर के भाग को हाथ लगाना पसंद नहीं करता है, और बच्चे ने जब पॉटी किया तो बच्चा थोड़ा हैरान हो जाता है कि अब मुझे कोई अटेंड करे। लेकिन कई लोग है ना बोलते हैं अभी हम पार्टी में इसका क्या चेंज करें, देख के भी उसको ये कर देते हैं। तो बच्चा है ना क्या करता है, नेचुरली पॉटी जब आएगी ना उसको थोड़ा रोकता है, ट्राइज टू होल्ड इट आउट कि मैं अभी नहीं करूँ इस समय, भले वो छोटा बच्चा एकदम। तो है ना समझो बच्चे का डायपर चेंज करना है, तो माता क्या करती है बच्चे को ले जाती है बाथरूम में, समझो पूरा पॉटी बह गया नीचे उसके टांगों में जंगाओं में, तो उसमें जाके वाश करती है। जब वाश करती है ना तो उसके उसके जो एनल रीजन में रैशेज हो जाते हैं, क्योंकि अंदर मल अगर पड़ा रहा था वो इन्फेक्शन से बच्चे का रैश, मतलब वहाँ पे हल्के से थोड़े ये कह सकते हैं कि अनईजी रफ सरफेस हो जाता है। तो बच्चे को जैसे वो धोती है ना पानी में तो बच्चा बहुत रोता है। तो है ना ऐसी उसने क्या किया, अपने उसका बच्चा उस समय जो है ना बहुत छोटा बच्चा था 7 महीने का, तो उन्होंने टैपिंग किया कि ये मेरे रैशेज मेरे बच्चे के अंग पर। फिर भी मैं पहले क्या बोलना चाहिए, जब हम EFT करते हैं किसी और के लिए क्या कहना चाहिए कि मैं इस वक्त EFT मेरे बच्चे के बेस्ट के लिए, उसके बहुत अच्छाई के लिए कर रही हूँ, अपने शरीर पर कर रही हूँ। आई इंटेंड टू डू EFT कि भाई मैं जो है ना EFT हीलिंग इंटेंशन करो कि आई एम गोइंग टू डू दिस EFT फॉर द विद इंटेंशन ऑफ हीलिंग माई सन या माई मदर, वट एवर ही आर शी इज राइट। तो उसने ऐसा टैपिंग किया कि मेरे बच्चे के जो स्कार्स हैं, डायपर जब मैं चेंज करती हूँ तब उसके स्कार्स में वो पेन होता है, क्योंकि माँ पोछती है ना तो जगह को पोछती भी है राइट। 2 दिन के अंदर उसके बच्चे के रैश निकल गए वहाँ से TFT करके, माता ने किया उनके बच्चे के लिए। एक बच्चे को 2 साल का बच्चा था, कैंसर था, उसके मैं रोज टैपिंग करती थी, डॉक्टर ने कहा कि ये 3 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगा, इसका कैंसर का कुछ इम्प्रूव होता नहीं दिख रहा, इसलिए मैं रोज उसके टैपिंग करती डेली सर की टैपिंग उसके बच्चे के लिए। और वो बच्चा जो है 5 साल के बाद भी चला और उसका पूरा कैंसर गायब हो गया। वैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि 7 महीने की एक बच्ची है ना बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, उसकी माँ साइबर
कैफे में साइबर कुछ नेट पे ही काम करती थी, तो उनका घर घर में ही थी वो, और काफी वो रो रही थी। तो उसने ने क्या किया, अपनी बच्ची के लिए टैपिंग किया कि मेरी बच्ची इस वक्त बहुत ज्यादा चिल्ला रही है, शी इज वेरी अपसेट, न जाने उसको क्या चाहिए, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, बट शी इज वेरी मच रेस्टलेस। ऐसा करके टैपिंग किया तो विद इन 2 मिनट्स उसकी बच्ची को क्राइंग करना जो है बंद हो गया। अभी एक केस और बताता हूँ कि हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं कहीं भी। एक जब दंपति पति पत्नी अपनी गाड़ी लेकर अपने घर पहुंचे, तो है ना कुछ बरसात के दिन में उनका जो शटर है, अमेरिका में हमारी जगह के पीछे जो हाउस होता है, हाउस के साइड में ही शटर होता है, गाड़ी अंदर जाके पार्क करते हैं वो लोग, तो गाड़ी पार्क करने गया तो कुछ प्रॉब्लम होता है, शटर खुल नहीं रहते, उसने अपने हाथ से उसको खोला तो है ना ऐसा करते उसकी चारों उंगलियां उसके अंदर आ गई, वो जो ग्रीस में फंस गई और थोड़ा वहां पे उसको जो ना गियर में आ गई, वहां जो गियर चलता है, तो चारों उंगलियां बहुत दर्द कर रही थी उसकी, यानी इतना लगता था उसकी पत्नी को कि शायद इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा तुरंत, है ना। उसका पति तो ये में बिलीव नहीं करता है, उसने अपने बॉडी पे टैपिंग किया कि मेरे पति की चारों उंगलियां सब दब गई हैं, ऐसा लगता है कि ही नीड्स अर्जेंट हेल्प ऑफ द डॉक्टर, ही नीडेड टू बी हॉस्पिटलाइज। लेकिन उसने ईएफटी करके है ना, तो डॉक्टर तो फोन उसने किया था पहले, फिर डॉक्टर ने दोबारा फोन किया, डॉक्टर ही फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, और विद इन 10 मिनट्स ऑफ कॉन्स्टेंट ईएफटी टैपिंग जो उसने अपने पति के लिए किया ना, तो उसका पति की चारों उंगलियों में जो दबाव आ गया था, ब्लड जाम हो गया था, उनको बहुत दर्द हो रहा था, उंगलियाँ ऐसी दब गई थी, तो सारा का सारा नॉर्मल हो गया। हर छोटी बात के लिए कीप ऑन टैपिंग, तुमको याद आता है बराबर, लेकिन याद नहीं आता है उस समय ई एफ टी हमको याद नहीं आता है, इफ यू आर इन रेगुलर, हर छोटी छोटी बात के लिए सरों के टैपिंग करो आप। तो हम जो है चल रहे हैं, सबसे पहले आज हमारे पास एक केस है जो मेरे पीछे 3-4 दिन से आई है कि आप प्लीज मेरे पिताजी का डिप्रेशन के लिए आप कराओ मेरे को, तो आज मैंने कहा कि हम सभी कलेक्टिवली करेंगे आपके पिताजी के लिए। गैरी क्रेग भी बहुत भरी सभा में जहाँ कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहते थे एक केस को लेते थे, और सभी 50 साल उस मीटिंग में, मैं आपको सारे वीडियो आगे जाके शेयर करूँगा कि कैसे ग्रुप में टैपिंग करते हैं कॉम्प्लिकेटेड केस के लिए, शेयरिंग विथ यू अबाउट योर केसेस द वीडियोस हैं। तो भाई जी मुझे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ, कि जैसे सर जैसे भाई जी हम टैपिंग करते हैं किसी भी छोटी छोटी चीज के लिए, तो हमें नेगेटिव ही करनी चाहिए कि नहीं समझी मैं, जैसे लेवल हमारी 2 है तो फिर कैसे करें, तो 2 है ना तो आप है ना जो है पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी टाइपिंग क्या चल रही है, मैं सुबह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, फिर भी अपना से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, न जाना आज सुबह से मुझे क्या हो गया है, मेरे पति के साथ मेरी जो टकराव हुआ है, मुझे मनमुटाव हुआ है, मैं सुबह से अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आपने 2 या 3 राउंड जो भी आपके उसके प्रति जो अपने अंदर जो नेगेटिविटी थी उसको बाहर निकाला ना, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, समझो कि लेवल काफी कम है, यू आर रिलैक्स टू लार्जर एक्सटेंट, समझो 2 की आपकी इंटेंसिटी आएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि सभी मर्दों का नेचर या सभी औरतों का नेचर अपना अपना होता है, हमें हर हालात में उनको एडजस्ट करना होता है, पर मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, अब मेरे अंदर का जो आवेश है, मेरे अंदर का जो रोष है, अब उनके प्रति आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जा सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट द लेवल हैज टू गो डाउन बिलो 2 or 3, 2 or 3, 5 के पहले, लेकिन मतलब 2 राउंड या 1 राउंड नेगेटिव पहले करना ही करना। देखो आप पॉजिटिव डायरेक्टली करोगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार नहीं करता है, इनफिनिट है ना, वो जानता भी मुंबई में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत मजे में हूँ, तो अंदर मन बोलेगा तू बेवकूफ बना दीगा मेरे को, तू बेवकूफ बना रहा है मुझे, तू तो खुश नहीं है, तो वो सब कुछ माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इसीलिए हम नेगेटिव करते हैं ताकि उसका असर थोड़ा कम हो सके, देन वी कैन इम्प्लांट पॉजिटिव। ओम शांति भाई जी, मैं हॉस्पिटल में बाहर बैठी हुई हूँ गार्डन में,
तो पापा तो आईसीयू में एक्चुअली, क्योंकि उनका डायलिसिस आज रात को शायद, तो इसलिए। नहीं आप आ जाइए, आप आपने ओपन किया है कैमरा? हाँ जी प्रियंका, हाँ प्रियंका मैं देख पाया, अभी देख पाया। यस 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 प्रियंका, पानी पियो, सभी पानी पियो। हाँ जी भाई, प्रियंका हॉस्पिटल में है, इनके पिताजी का आज डायलिसिस है और आज ही सुबह को भर्ती किया। ही वाज वेरी रेस्टलेस, ही इज इन टू ही इन द डिप्रेशन, है ना प्रियंका? हाँ जी भाई जी, डिप्रेशन में है तो, है ना? हम आज क्रॉनिक लेवल काफी ज्यादा हाई लेवल, प्रियंका के डैडी के लिए, उनके पिताजी के लिए, वो दिल्ली से ज्वाइन हुई हॉस्पिटल के बाहर आके बात कर रही है हमारे साथ में। आज हम सभी मिलकर, है ना, इनके पिताजी के डिप्रेशन के लिए ईएफटी करेंगे। कौन सी ईएफटी है ये? सरोगेट, किसी और के लिए हम कर रहे हैं, है ना? प्रियंका अपने डैडी के लिए कर रही है, एब्सेंट फीलिंग, है ना? कैसे जाता है यह सर, बताइए मुझे, हाउ इट हेल्प? हाँ जी भाई जी, नहीं कैसे हेल्प करता है ये? अभी वो तो आपके सामने है नहीं, अपन बॉडी पे टैपिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम, है ना, सभी आपस में कनेक्टेड हैं, वी आर सोल्स, चिल्ड्रन ऑफ द सुपर सुप्रीम सोल, है ना? तो हम इंटरनली सभी इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो मैं इतना जल्दी नहीं जाऊंगा आज, तो हम शुरू करेंगे यहाँ पर सभी, है ना? देखो मेरी बात सुनो, कुछ लोग मेरे साथ बोलते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर लोग हैं ना, सभी अगर मन में भी बोलोगे, आप इतने सारे तो ओपन आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मन में भी, आपको बोलना जरूर है, टैपिंग करते जाओगे ना तो, या तो फिर यहाँ कोई बैठा है ना, अभी किसी ने मुझे लिख के भेजा है कि सिज़ोफ्रेनिया के लिए मुझे करना है किसी के लिए, आप उनके लिए करो, है ना? तो भाई मैं सिज़ोफ्रेनिया का जो भी आपका रिलेशनशिप उनके साथ उनसे कर रहा हूँ, डेमेंशिया के लिए कर सकते हैं, एनी डैम प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल आर फिजिकल आर। तो अभी हम चल रहे हैं प्रियंका के डैडी के लिए, हम कर रहे हैं शुरू में टैपिंग। तो प्रियंका आपको पहले क्या बोलना है, क्या बोलना है बोलो मेरे साथ में, के आए 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 I intend, I intend to give the best healing. I intend to the best healing. The best healing. तो मैं, आप पापा बोलते हैं, फादर बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पापा। हाँ। I intend. I intend. To I intend. Heal my papa. To be feel good for my papa. For the highest good. The highest good. हाँ, पहले क्या बोलना है कि मैं अब, intention मतलब क्या होता है, तीव्र तहे दिल की इच्छा है मेरी, है ना? कि मैं अपनी EFT अपने बॉडी पर करके उनको मदद करूँ, सरोगेट टैपिंग, प्रॉक्सी टैपिंग या डिस्टेंस हीलिंग, राइट? अभी है ना, आपको ऐसे बोलना है जैसे आप नहीं बोल रही हैं, आपके पिताजी बोल रहे हैं। अभी आपने बोला कि मैं EFT अपने बॉडी पे कर रही हूँ, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट बनेगा ना, वो भी अभी आपको बोलना है, क्योंकि उनकी हालत आपको ज्यादा पता है कितनी बिगड़ती जा रही है ना। तो यहाँ पे सब, चलो चार पांच जन ओपन करो और सभी के सभी टैपिंग करेंगे, जो लोग वर्बली नहीं कर सकते हैं मन में बोलेंगे, राइट? चलो सर भाई जी, हिंदी में करवाइए। हाँ हिंदी में करा, हिंदी में करा। मेरे पिताजी, मेरे पिताजी बहुत समय से, बहुत डिप्रेशन के शिकार है, शिकार है, दिन ब दिन उनकी हालत, दिन ब दिन उनकी हालत। आई एम सॉरी, आपको ऐसे बोलना है जैसे आपके पिताजी बोल रहे हैं, बराबर? अब बोलो, मैं बहुत दिनों से डिप्रेशन के ऐसे डीप में चलता जा रहा हूँ, मेरे सफरिंग की, पार कर ली है, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, फिर भी अपने आप से पार प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। डिप्रेशन ने मुझे पूरी तरह, मुझे पूरी तरह
बोलो पूरी तरह से जी पूरी तरह से मार दिया है मार दिया है फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ डिप्रेशन डिप्रेशन मुझे इस तरह घेर कर रखा है मेरी हालत मेरी हालत पहले से बहुत ज्यादा पहले से बहुत ज्यादा और भी ज्यादा नाजुक होती चली जा रही और भी नाजुक होती जा रही है फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ स्वीकार करता हूँ आप बोलोगे अपने पिताजी की जगह पर जो जो तकलीफ आपके पिताजी को है ना वो सब विस्तृत है जैसे अभी आपने बताया कि उनको क्रिएटिनिन बढ़ गया है आपने जो जो है ना उनको तकलीफ है ना वो सब बोल के वो भी है तो हम आपके साथ बोलते जाएंगे राइट जी आप बाकी को म्यूट कर दीजिए डिस्टरबेंस आ रही है ठीक है सिर्फ आप और प्रियंका बहन म्यूट ऑन रखिए आप तो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे भाई जी प्रियंका आप भी हाँ ठीक है आई एम वेरी ऑन द स्क्रीन मैं स्क्रीन पर ही हूँ ओके प्रियंका आपको अभी वो बोल रहा है जो जो आपके पिताजी को तकलीफ है ना भले आप स्क्रीन डाउन करेंगे है ना अभी आओ बोलो बोलो प्रियंका मेरे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है किडनी में भी प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मैं और ज्यादा परेशान हो गया हूँ अभी तक मैं आपको थोड़ा सपोर्ट करता हूँ हाँ जी एक के बाद एक एक के बाद एक बेहाल होती हुई मेरी सेहत बेहाल होते हुए मेरी सेहत ये सभी जो पीड़ाएं हैं मेरे शरीर की ये सभी जो पीड़ाएं हैं मेरे शरीर की अलग अलग शरीर के सिस्टम्स की अलग अलग शरीर के सिस्टम्स की मुझे हर तरह जोर के रख दिया है मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने की वजह से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने की वजह से हॉस्पिटलाइज किया गया है आवाज नहीं आ रही भाई जी मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया है मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया है मुझे आईसीयू में रखा गया है और मेरा डायलिसिस शुरू है और मेरा डायलिसिस शुरू है हर तरह से बोलो हर तरह से मैं परेशान हो चुका हूँ मैं टूटता चला जा रहा हूँ चाहते हुए भी अपने आप को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ मन से भी टूट रहा हूँ और एक समस्या जा रहा हूँ यस बोलो प्रियंका बोलो आप बोलो हाँ जी मैं अपने मन को संभाल नहीं पा रहा हूँ मैं और ज्यादा विचलित होता जा रहा हूँ मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित है बोलो सभी बेचैन होता जा रहा हूँ और भी पीड़ाएं बताओ उनकी जो जो तकलीफ है ना उनको सब बताओ सबके लिए टैपिंग करेंगे बोलो प्रॉब्लम है मुझे कई सालों से घेर के रखा है अब इस मन की जब मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा तब भी मैं इसमें और ज्यादा मेरी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं जब इंसान का मन ही नहीं शांत होगा तो वो कैसे काम करेगा मेरा मन घबराया जा रहा है बेचैन होता रहता है कभी अंदर पीड़ाएं बढ़ती जा रही हैं और मैं टूटा चला जा रहा हूं कुछ भी अच्छा मेरे साथ होता हुआ नहीं आ रहा है कुछ भी मेरे साथ अच्छा हो नहीं रहा है हर तरफ से परेशानी
कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तन से टूट रहा हूँ, मैं तन से टूट रहा हूँ, धन से टूट रहा हूँ, धन से भी टूट रहा हूँ, और आसपास मेरे घर वालों को देखकर, आसपास मेरे घर वालों को देखकर इन सबको देखकर बोलो, रिंगा आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी आ रही है, थोड़ी कम आ रही है थोड़ी भाई जी। इन सबको देखकर, इन सबको देखकर मैं अपने आप को, मैं अपने आप को गिल्टी फील कर रहा हूँ। तकलीफ एक हो जो इंसान समझ सकता है, तकलीफ की। भाई जी मैं म्यूट कर रही हूँ, शायद पीछे से नॉइज मेरा जा रहा होगा सबको, इसलिए। नहीं, नहीं सब क्लियर आपको, बोलो आप बोलो, कुछ नहीं आ रहा है एकदम, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, स्पीक आउट बोलो। आवाज कम आ रही है आपकी भी थोड़ी। हाँ नॉइस में डिस्टरबेंस भी है बस। जैसे जो मैं सीजन का रेडी की जगह, मेरी हालातें बद से बदतर होती चली जा रही है। न दिन को चैन है न रात को सुकून है। आई एम हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी से बात करने को जी नहीं करता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी से बात करने को जी नहीं करता है। शरीर का कोई भी सिस्टम या विसर्जन, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम, सभी के सभी मुझे जवाब देने लगे हैं। मेरे किडनी में इंफेक्शन है, 39 की लेवल बढ़ती जा रही है। आई एम इन ICU, डायलिसिस पर आ गया हूं मैं। एक ऐसा बोझ मेरे सर पर, मेरी पीड़ाओं का अब मुझसे सहन नहीं होता है। आई एम एब्सोल्युटली लॉस्ट, डिप्लेटेड, एग्जॉस्टेड। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता। न जाने कौन से पाप कर्मों का फल है ये। हर तरह से मेरी परेशानियां अपने चरम सीमा पर जा रही है और मैं अपने आप को पूरी तरह असहाय महसूस कर। I lost my all the hope. मैं कभी ठीक हो भी पाऊंगा। सर आज आवाज नहीं आ रही है ठीक से, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है शायद बारिश की वजह से। अभी आई आओ जरा सर, आ रही है जा रही है। हाँ बहुत मतलब गड़बड़ हो रहा है, बहुत आज आवाज का गड़बड़ हो रहा। तो भावना आर यू एबल टू हियर मी? आप स्मिता जी बैठी हैं बाजू में, स्मिता, कोमल, मेरा आवाज गड़बड़ आ रहा है आपको? नहीं सर, बहुत नॉइज आ रहा है, साउंड आ रहा है। कोई वायर हिल रहा है ना, तो खड़खड़ हो रही है ऐसे। मैं क्या आज पहली बार ऑफिस से, मैंने फैक्ट्री में बैठा हूँ, मैं ऑफिस में से मैंने लॉगिन किया है, घर से लॉगिन है। वायर भी अलग है मेरे पास में, थोड़ा बारिश भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ओके ठीक है भाई जी, चलेगा। ओके कंटिन्यू। तो है ना, अभी आपने प्रियंका, आप मुझे सुन रही है ना प्रियंका? हाँ जी भाई जी, मैंने सुना, मैंने किया भी है सर आपके साथ में। हाँ तो आप है ना, क्या करो अभी पिताजी को अंदर देखो जाके, और रही बात, अच्छा ICU में बिताइए, यू कैन नॉट एंटर देयर ना, ICU में आप नहीं जा सकती है ना। तो शायद वो हमें आने नहीं देंगे, सुबह ही मेरे ख्याल से बुलाएंगे अब तो। ओके ओके, तो ठीक है ना, आप है ना उनके लिए ना लगातार सरोगेट टैपिंग करते रहो। आज हॉस्पिटल में आप रहने वाली है आज की रात?
जी आज की रात को शायद वो रुकने भी नहीं देंगे हमें, तो इसीलिए हमें फिर घर भेज रहे हैं। तो हम घर की तरफ आप जाने के बाद है ना आते हैं ना लगातार कंटिन्यू से डैडी के लिए टैपिंग करते रहो है ना, शुरू के टैपिंग करो उनके लिए और फिर कल मुझे बताना है तो कल क्लास है तो बताऊंगा कुछ के आपने कंटिन्यूसली करो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हील हिम। सिर्फ आपने सिर्फ ये पता करना डॉक्टर से कि इनका कौन सा पैरामीटर बराबर नहीं चल रहा है, तो वो आईसीयू में है तो सारे पैरामीटर पे नोट किए जाते हैं ना, उनको पता करके फिर उसको टैपिंग करना ठीक है। अभी कौन आना चाहेगा? यस प्लीज एनीबडी एल्स। यस किसने मुझे कहा था कि हाँ यस कोमल आपने कहा था ना, कोमल जी सर आपने कहा था कि आपका 2 साल का बेटा है, ओ सॉरी 2 साल का 13 साल का 13 साल का 13 ईयर 13 साल का, लेकिन उसके बच्चे का दिमाग 2 साल हाँ सर, तो उसका जो ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है बराबर, तो आप अपने बेटे की जगह पर अपनी कटिंग में करा तो आपको हमेशा ही करना तो फीडबैक देते रहना। उनका नाम क्या है सर? ध्यानेश। ध्यानेश सर वो गुस्सा बहुत करता है और रात को सोता नहीं है, वो घबराता है पूरी रात जगता रहता है। आगे आगे आपको आगे टैपिंग करते हुए आपको बोलना है, अभी नहीं स्टार्ट द प्रोसीजर। आप कहो मैं तहे दिल से चाहती हूँ, मैं तहे दिल से चाहती हूँ, बोलो मैं तहे दिल से चाहती हूँ तो मैं अपने बच्चे धनेश के लिए मैं तो बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए। सर वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कम है भाई जी। हाँ हाँ बहुत डिस्टर्ब हो रहे आवाज में ना, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, वॉल्यूम प्रॉब्लम है और डिस्टरबेंस भी बहुत है आवाज का। मैं बिना आवाज चलेगा? आवाज आ रही है? आप सभी को निकाल देता हूं हेडफोन को, अभी आवाज है बराबर? हां यस आ रही है, आ रही है ठीक है। तो आपको है ना सबसे पहले पहले कोमल बहन क्या बोलना है, मैं बोलो बोलो कोमल बोलो सर, मैं अपने बेटे ध्यानेश के लिए, मैं अपने बेटे ध्यानेश के लिए अपने बॉडी पर अपनी बॉडी पर ईएफटी कर रही हूँ, ईएफटी कर रही हूँ उसके भले के लिए, उसके भले के लिए। अभी आपको ईएफटी पे स्टेटमेंट डालना है, पहले पानी पियो थोड़ा, टेक वाटर। ध्यानेश आज 13 साल का हो चुका है, नहीं 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 सॉरी ध्यानेश मैं 13 साल का हो चुका हूँ, मैं 13 साल का हो चुका हूँ लेकिन मेरा दिमाग है, लेकिन मेरा दिमाग है 2 साल के बच्चे के दिमाग जितना, 2 साल के बच्चे के दिमाग जितना ही डेवलप हो सका है, कितना ही डेवलप हो चुका है फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ राइट। और बोलो मैं अंडर डेवलप्ड चाइल्ड हूँ 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में 2 साल के दिमाग के जितना, 2 साल के जितना मेरा दिमाग काम कर रहा है, मेरा दिमाग काम कर रहा है। कैसे चल पाएगा ये, कैसे चल पाएगा ये, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ स्वीकार करता हूँ। मैं ग्रो ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ग्रो ही नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरी उम्र और शरीर बढ़ता जा रहा है लेकिन मेरी समझ नहीं बढ़ रही है,
लेकिन मेरी समझ नहीं पड़ पा रही है। जिसकी वजह से मेरे माँ बाप भी परेशान हैं। अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। डेफिशिएंसी नजर आती है ना कि बच्चा क्या समझना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, उसका कैसा ब्रेन डेवलप होना चाहिए। जो जो डेफिशिएंसी आपको कमियां आपको दिख रही है ना, वो सारी बोलो। मैं आपके साथ टैपिंग करते जाऊंगा, बोलते जाऊंगा। ये स्टार्ट बोलिए, तब हेड पे आओ बोलो। मुझे कोई भी बुलाता है तो मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे उसने बुलाया है और मुझे जाना है। जब भी मुझे कोई कुछ काम कहता है, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मुझे क्या करना है। जब कोई रिप्लाई पूछता है तो मुझे सवाल का जवाब भी नहीं पता होता कि मुझे क्या बोलना है। बोलो। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगला क्या बोल रहा है और क्या रिप्लाई करना है। मुझे बिल्कुल भी रेस्पॉन्स करना नहीं आ रहा है। मुझे आसपास के लोगों से रेस्पॉन्स करना नहीं आता। मैं स्कूल में जाके अच्छा फील नहीं करता हूँ। मुझे दूसरे बच्चों से टैपिंग करो। टैपिंग है ना, ये पहली उंगली, ये मिडिल फिंगर दोनों को आपस में मिलाओ, थोड़ा कोल्ड करो, क्योंकि यहाँ भी जो उंगलियों के टिप्स है ना, वहां भी हमारे मेरिडियंस के एंड हो रहे हैं, जहाँ एनर्जी ब्लॉक होती है ना। तो आपको इन्हीं दोनों को यहाँ पर टैप करना है, नुकली हड्डी पर, इसको हम साइड ऑफ द आई पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ पर मेरिडियंस के एंड्स होते हैं। यहाँ पर टैपिंग करो। मैं कुछ समझ ही नहीं पाता हूँ, समझ ही नहीं पाता हूँ। रिस्पॉन्ड करूँ मैं कैसे? रिस्पॉन्ड करूँ अभी? आगे बोलो, चीक बोन पे आओ, नीचे आओ, आगे बोलो। उसमें जो डेफिशिएंसी है ना, कि वो अपने आप से अगर EFT करेगा तो क्या क्या उसकी जो डेफिशिएंसी है, उसकी जो कमियां कमजोरियां हैं, आप बोलते जाओ कि मैं ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, जो जो आपको बोलना है बोलो। मैं अपने आप से खाना भी नहीं खा पाता, मैं अपने आप से अपने कपड़े नहीं पहन पाता, मैं अपने आप से नहा नहीं सकता, टॉयलेट एंड वॉश नहीं कर पाता हूँ। मुझे कोई भी चीज का समझ नहीं आता कि क्या करना है। मैं अपनी पढ़ाई में भी बहुत पीछे हूँ, बाकी सब बच्चों को सब कुछ आता है। नोट पेन पे आओ। मैडम बोलते जाओ। मैडम कुछ पूछती है तो मैं बताता भी नहीं हूँ, मुझे किताबों का भी नहीं पता चलता। मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, मुझे 2 और 2 4 होते हैं ये भी समझ में नहीं आता, जबकि मम्मी हमेशा समझाती है, हमेशा मैडम भी स्कूल में बताती है। स्कूल जाने से डरता हूँ, मैं सबसे बात करने से घबराता हूँ। मुझे स्कूल जाने से मैं बहुत ज्यादा रोने लग जाता हूँ और डिप्रेशन में चला जाता हूँ। मेरे को बहुत टेंशन होती है बच्चों के बीच बैठने से। कोई मेरे साथ होगा परिवार से तभी मैं बैठता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बैठता हूँ। और एक राउंड करो, बोलते जाओ, करते जाओ, बोलते जाओ। मेरे को किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, कोई भी आता है घर में तो मुझे उन सब से डर लगता है। बोलेंगे एक मिनट, आप एक बात बोलें फिर मैं बोलूंगा, सभी आपके साथ बोलेंगे, है ना, हम ग्रुप में कर रहे हैं ना ये, तो सभी को बोलना है। बोलो एक एक सेंटेंस बोलते जाओ, 2 सेंटेंस बोलो, मैं बोलूंगा, मेरे साथ सभी आपके साथ बोलेंगे। यस बोलो, पहले आप बोलो फिर मैं बोलूंगा। यस मैं सबसे डरता हूँ, जाने मुझे हर वक्त डर लगता है, मुझे हर वक्त डर लगता है। बेमतलब का डरता रहता हूँ मैं, बेमतलब का डरता रहता हूँ। क्या हो गया है मुझे, क्या हो गया है मुझे? पॉइंट लो फिर मैं उसको कराता हूँ। बोलो अगली पॉइंट बोलो। मुझे घर से बाहर भी नहीं अच्छा लगता जाना, मैं घर में अकेला रहना पसंद करता हूँ। न जाने अभी मैं बोलता हूँ, मैं घर के बाहर भी निकलना नहीं चाहता। घर के किसी कोने में बैठकर मैं वहां से हिलना भी पसंद नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारे शरीर की एनर्जी निकाल दी गई हो
निकाल दी चाहिए। दिमाग कमजोर, एक तो दिमाग कमजोर, अंडर डेवलप, अंडर डेवलप। अभी बोलो आगे, बोलो बोलो आगे। समझ की कमी, मुझ में समझ की कमी है और मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ। मैं रात रात भर बार घूम, मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ। रात को सो भी नहीं पाता हूँ की वजह से, रात को ना सोने की वजह से मैं दिन भर परेशान रहता हूँ। अभी दो तीन पॉइंट और बोलो, कॉलर बोन पे, कॉलर बोन पे। बोलो, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, किताबों में क्या लिखा है मुझे ठीक से समझ नहीं आता। अभी मैं बुलवाता हूँ, मतलब मैं किताब पढ़ सकता हूँ, कैसे तो मैं किताब पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ समझ पाता हूँ ना ही, मैं कुछ समझ पाता हूँ। पढ़ाई में है ना ही, मेरी रुचि पढ़ाई में है, रुचि में पढ़ाई में हर तरफ से हो, हर तरफ से, हर तरफ से अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ, सिर्फ बोझ ना, बोझ बनकर रह गया हूँ, बोझ बनकर रह गया हूँ परिवार के लिए, परिवार के लिए। मैं खाना भी चबा के नहीं खा सकता, मुझे नहीं पता कि खाने को भी चबाया जाता है दांतों में। बोलो बोलो बोलो, एक राउंड और करते हैं, बोलो जल्दी फटाफट, चलो बोलो, टॉप हेड पे आओ। मैं मेरे दांतों का यूज नहीं करता हूँ, मैं अपने आप से खाना भी नहीं खाता और चबाने के बारे में बिल्कुल भूल जाता हूँ, पूरे खाने को ऐसे ही निगल लेता हूँ, कई बार तो गले में फंस भी जाता और मैं रोने लग जाता हूँ। अभी मैं बुलवाता हूँ, मुझे इतना भी समझ में नहीं आता है, मुझे इतना भी समझ में नहीं आता है कि खाना जब हम, खाना जब हम मुंह में डालते हैं, मुंह में डालते हैं, चबाने के बाद ही, चबाने के बाद ही वो खाना, वो खाना हम निगलते हैं, वो निगलते हैं अपने अन्न की नली में, अपने अन्न की नली में, मुझे इतना भी नहीं समझता है, मुझे इतना भी नहीं समझता है जो काम दांतों को करना है, जो काम दांतों को करना है मैं वो भी काम पेट को सौंप देता हूँ, वो भी काम मैं पेट को सौंप देता हूँ, और मेरे पेट में पाचन की, मेरे पेट में पाचन क्रिया समस्या सदा ही रहती है, समस्या सदा ही रहती है। क्यों नहीं कुछ भी समझ पाता हूँ मैं, क्यों नहीं मैं कुछ भी समझ पाता हूँ। एक दो पॉइंट लास्ट भी यहाँ पे आप पूरा करो, यहाँ पे बोलो भी, और क्या याद आ रहा है आपको, बोलो। बार बार मुझे सब समझाते हैं लेकिन मैं हर चीज को रिपीट करता रहता हूँ, बोलता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ, मैं हर चीज को समझ नहीं पाता, सिर्फ शब्दों को पकड़ के रिपीट करता रहता हूँ, एक ही बात को बार 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 बोलता हूँ। जो भी मुझे कहा जाता है, जो भी मुझे कहा जाता है कि बेटा ऐसा मत करो ऐसा करो, बेटा ऐसा मत करो ऐसा करो, मैं उसको कैसे एक्शन में ले आऊं, उसको कैसे एक्शन में लाऊं, समझ के बाहर का काम है वो, समझ के बाहर का काम है। हर तरफ से, हर तरफ से, चारों तरफ, चारों तरफ बेबसी, बेबसी, लाचारी, लाचारी, मायूस, मायूसी, मायूसी, हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, होपलेसनेस, enough is enough, enough is enough, I'm fed up now, I'm fed up now। अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर निकालो, बच्चा घर में है अभी, बच्चा घर में है अभी, हाँ सर, हाँ है सर, कमरे में,
दूसरे वाले रूम में सर, टीवी देखता रहता है बस। जाओ और उनको पूछो कैसा लग रहा है, हाउ इज फीलिंग आफ्टर ईएफटी हमने किया ना उनके लिए, तब तक मैं आगे का फिर आप आएंगे अब चेक करके उनको। यस, और किसी को कुछ बोलना है यहाँ पर अभी? यस प्लीज एनीबडी, आप जो बच्चे को चेक करके आओ, आप है ना देख के आओ हाउ इज फीलिंग नाउ। सर बोलेंगे ना पलक, बोलिए पलक जी, आप अनम्यूट करो अपने आप को, आप म्यूट हैं। या लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, लाला भाई जी भावना कौन बोलना चाहता है? भावना प्लीज सी भाई जी आयुषी एम के भाई हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, पहले उनसे पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे ना पिछले चार पांच दिन से लेफ्ट कान में ना साउंड आ रही है, जैसे वो तो ना खेतों में झुंगर की आवाज आती है, और पिछले 5-7 दिन से आ रही है। वो रेनिटाइज का प्रॉब्लम है, वो कान का वो अलग इश्यू है, वो यहाँ हम बात कर रहे हैं सरोगेट टैपिंग की। बॉडी पे टैप कर सकते हैं सर, कराटे चौपन का वहाँ सरोगेट टैपिंग की बात ही नहीं है। अगर आप अपने बॉडी पे टैप कर सकते हैं तो अपने बॉडी पे डायरेक्टली टैप करो, उनकी बात कर रहे हैं जब हम किसी और के लिए टैप कर रहे हैं। आपको कानों में जो आवाजें आ रही है वो रेनिटाइज हमारे कान की जो नस है ना वो काम नहीं करती है, वो कोई नर्व है कान की डैमेज हो जाती है। आप अपने आप कर सकते हैं ना, am I right? मैंने आपके केस के बारे में बताया था जिनका किडनी भी डैमेज हो गया और लीवर में सूजन हो गया है, जो अपने साइज से बहुत ज्यादा दुगना हो गया है, तो वो आईसीयू में है, तो उनके लिए देख रहा हूँ हम कर ले। हाँ ठीक है। अभी भावना बहन क्या कह रही है कि हमारा कोई रिश्तेदार है वो बहुत ज्यादा पीड़ित है, एक के बाद कॉम्प्लिकेशंस में आता चला जा रहा है और वो आईसीयू में है, राइट भावना मैडम? भावना जी बराबर ना, आप अनम्यूट करो अपने जी। आप है ना कहो मेरे साथ, कहो मैं तो नाम क्या है, कौन है वो जो हॉस्पिटल में है? स्नेह नाम है, स्नेह। मैं स्नेह के लिए मैं अपने बॉडी पर कर रही हूँ, मैं ये पर कर रही हूँ उसके भले के लिए, उसके भले के लिए। विषय में टैपिंग करने की जरूरत नहीं है, इंटेंशन लेंगे ना तो ऐसे बोल सकते हैं कि मैं अब स्नेह के लिए ईएफटी करने जा रही हूँ ताकि उसका अच्छे से अच्छा हो सके, फॉर इज बेस्ट गुड, है ना? ओके चलो। अभी उनकी उम्र कितनी है? 30-35 के बीच की होगी। अच्छा, मैं वो लड़का है, वो लड़का है ना? मैं अपनी सेहत में हर तरह से गिरता चला जा रहा हूँ, मेरी सेहत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मेरी सेहत मुझे जरा भी सपोर्ट नहीं कर रही है, लगातार गिरती चली जा रही है, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, डेटोरिएटिंग हेल्थ, ये मेरे सेहत की हालातें, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ,
जो फील कर रहा है एक राउंड पूरा ले लो, फिर करो हेड पे आओ, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, वो नहीं कर पाता हूँ, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, जो जो उसको फील हो रहा है ना, जैसे आप बोल रही है इस पे आपको बोलना है, इसका मतलब आप बोलो, फिर मैं आपके साथ बोलूंगा, कभी बोलेंगे बोलो। मेरे लीवर में भी पानी भर गया है जिसकी वजह से मेरा पूरा घर परेशान में आ गया है। अभी अभी मेरी शादी हुई है, 4-5 महीने हुए हैं, मेरी पत्नी भी बहुत दुखी है, बहुत डिप्रेशन में आ गई है, परेशान है मेरी इस हालत को देख। नीचे आओ, नीचे आओ, बोलते जाओ बोलते जाओ। अभी मैं आईसीयू में हूँ, मेरी माँ मेरे पापा मुझे देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लीवर की दवाई करेंगे तो किडनी पे असर होगा, किडनी की दवाई करेंगे तो लीवर पे असर होगा। तो अभी कुछ भी न खा पा रहा हूँ न पी पा रहा हूँ, दवाइयों ग्लूकोज भी काम नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर्स को भी क्या करना है। मैं बुलाता हूँ कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, काम नहीं एक को ठीक करने जा रहे हैं तो एक को ठीक करने जा रहे हैं तो तरीके दूसरे आप तरह बेगोल जा रहे हैं तरीके दूसरे को आवाज नहीं आ रही है, शरीर के दूसरी प्रणाली को, शरीर की दूसरी प्रणाली को आवाज इतनी लाचारी, इतनी लाचार, इतनी लाचारी बढ़ती जा रही है, बेहद की पीड़ा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, नई नवेली शादी, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और इतना ज्यादा, मैं बिल्कुल भी अपने आप को ढाल नहीं पा रहा, मैं बिल्कुल ही बस असहनीय पीड़ा, असहनीय पीड़ा हॉस्पिटल के सीलिंग्स, हॉस्पिटल की स्थिति ये बहुत ज्यादा ओझल कर रहे हैं, आईसीयू का वातावरण, आईसीयू का वातावरण जिसका नाम सुनते ही, जिसका नाम सुनते ही वो घबरा जाते हैं, मिलने यहाँ आ पाता है, और न ही मैं किसी को कुछ बोल पाता हूँ, अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा हूँ, घुटता चला जा रहा हूँ, मैं बहुत 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 हर तरह से, हर तरह से रखा है, मुझे लगने लगा है बाहर, यस कोमल आप आ गई, क्या सकता देखते हैं बच्चे का बताइए, हो ये फीलिंग नाउ? वो सर वो वैसे जो अपन बोलते हैं उसको रिपीट
उसको बोले अच्छा है तो उसके कहा अच्छा हो, उसको बोले कुछ हो रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं, मतलब वो कुछ। आपको मैंने कहा था आप उनको देखने को जाओ, बराबर, आपको हाँ। उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, क्योंकि वो बोल नहीं पाता, उसको इतना सेंस ही नहीं है, तो आपको वहां जाने के बाद पूरी फील सम चेंज के इसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज आया हुआ है चेहरे पर, क्योंकि हाँ वो बदल सा लगा, हाँ वो थोड़ा सा ऐसा लगता है सर, वो थोड़ा सा अच्छे से खेल रहा था, रिलैक्स होके। हाँ तो आपने खेल रहा था, हर दिन करो, हर दिन करो, हर समय करो, हर समय करो, हर समय करो। देखो ये EFT टैपिंग मिरेक्युलसली काम करता है, मैंने कई सारे एग्जांपल दिए, मैं कल भी इसके ऊपर सेशन कंटिन्यू करेंगे। भावना किसी ने और ने लिखा कि मेरे बेटे के लिए कराओ, तो हमने ये सेशन कल है ना, और भी थोड़ा मैं डीप में जाऊंगा, और कल भी हम इसके ऊपर ही करेंगे, सरोगेट टैपिंग के ऊपर केसेस लेकर, ठीक है ना। आप भी कल और टैपिंग करेंगे, उस व्यक्ति को थोड़ा पूछ के रखना कि अभी उसके हालात हैं क्या है, तो फिर आपको भी मैं कराऊंगा। और किसने पता नहीं किसने लिखा है कि मेरे बेटे के लिए कराओ, कौन है वो, किसने लिखा है यहाँ, कैन यू रीड दैट, शिप्रा बहन है जिन्होंने लिखा है, शिप्रा बहन। हाँ जी, नमस्ते भाई जी। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। आप है ना कल आना, क्योंकि अभी टाइम हो गया है ना। अच्छा अच्छा, तो अभी कर रहे हैं, सभी बहनें हमारे साथ जुड़ती हैं, सब कामकाज वाली हैं, सभी हाँ को जी भाई, बच्चों की जिम्मेदारी है, अगर हम ऐसे ले लेंगे ना तो हमारे सेशन कम टाइम बर्न करना चाहते हैं, आज पॉलिटी आप 5 मिनट पहले ही ज्यादा हो गए, तो कल हमें सुपर टाइम, और सबसे पहले पहले मैंने शिप्रा बहन को ही हम ले आएंगे, सर जो ये हम सरोगेट, आप ही कराना, कोमल आप आ सकेंगे कल, कोमल देखो अगर आप आ सकते हैं तो आना, क्योंकि आपका जॉब है, यू आर ए मेडिकल प्रोफेशनल है आपने। भाई जी हाँ हाँ, अगर हमें जैसे किसी को करनी है सरोगेट टैपिंग, तो क्या क्या उसके लिए नीड है, उनका नाम चाहिए, एक उम्र भी जरूरी है, कुछ भी जरूरी नहीं है, बस एक नाम, नाम जैसे हम उनके लिए कर रहे हैं, तो नाम तो उनका जरूरी है, जरूरी नहीं है, मैं उस आत्मा के लिए कर रही हूँ, मैं सबके लिए कर रही हूँ, मैं घोड़े के लिए कर रही हूँ, मैं कुत्ते के लिए कर रही हूँ, खत्म। जी जी जी, मेरे सामने उस वक्त एक्सीडेंट में तड़प रही है, मैं उसको जी सर, देखो प्लेन में आपको बता रहा हूँ, एक बच्चा बहुत रो रहा था, आई वॉज ट्रेवलिंग द सेम फ्लाइट, मैं पिछली सीट पे बैठा हुआ था, बराबर, भाई वहां तो उठ नहीं सकते ना, और वहां पे इन्फॉर्मेशन था कि आप है ना ये नहीं कर सकते, मतलब आप बेल्ट को खोल नहीं सकते, जो टर्बुलेंस थोड़ा हो रहा था फ्लाइट में, और बच्चा बहुत जोर रो रहा था, तो मैंने अपने बॉडी पे बच्चे के लिए टैपिंग किया, मैंने टैपिंग 3 राउंड नेगेटिव टैपिंग किया, और बच्चे को मैंने काफी हद तक रिलैक्स होते हुए देखा है, तो मेरे को बच्चे का नाम पूछना जरूरत थोड़ी है। देखो मैंने जब अभी आप सबसे पूछ रहे थे ना क्या नाम है, उम्र कितनी है, तो तभी इसीलिए पूछा कि कुछ ये भी जरूरी है। अभी वो जो फ्लाइट में मैंने किया, तो मैं इसको पूछने क्या, जो छोटा बच्चा रो रहा है, अभी मैं अभी मिशन पे आ रहा था ना, एक है ना लेडी को है ना, जैसे ही फ्लाइट चलना चालू हुआ तो वो ना बहुत जोर से चिल्लाई, अभी वो प्रेग्नेंट थी एक्चुअली, पता नहीं उसको पेट में कुछ झटका लगा, वो जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है ना तो उसको झटका लगा पेट में, तो है ना मैं उठ रहा था अपनी सीट से, उसको जाके मदद करूं, लेकिन वो जो एयर हॉस्टेस थी उनके पास में गई और उसको थोड़ा हाथ पकड़ा, थोड़ा हाथ घुमाया पीछे ना, उसने कहा नहीं सिस्टर आई एम फीलिंग नाउ कंफर्टेबल, तो नहीं तो मैं उठ के जाने वाला था उनको टैपिंग कराने के लिए, और नो नीड टू आस्क। अब जब आपका, अभी हम थोड़ी बोलते हैं कि भाई हम तो पूरे विश्व को सकाश दे सकते हैं, वी कैन डू एंटायर वर्ल्ड की दुनिया की सभी आत्माओं के लिए जो सफरिंग है उसके लिए हम कर सकते हैं, इट विल डेफिनेटली रीच टू देम। जी सर, सर हमारे भी कोई रिलेटिव है, उनको 1 साल पहले पैरालिसिस हो गया भाई जी, तो हम प्लीज कर रहे हैं, हॉस्पिटल में थेरेपी वेरेपी करा रहे हैं तब से, तो उनको मेरा मन है करने का ना, कर दूं, जो चीजें चल रही है ना उनको चलने दो, ये एडिशनल सपोर्ट उसको करो आप जी, या एडिशनल सपोर्ट होगा आपकी तरफ से उनको, EFT गजब का काम करती है, प्लीज सभी करो।